बहुत प्रसन्नता हो रही है आज एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारत को एक सूत्र में जोड़ने के लिए डिजिटल इंडिया का एक संकल्पबद्ध योजनाबद्ध कार्यक्रम कैसे बने देशवासियों को आह्वान किया और इस दिशा में कैसे हम अधिक से अधिक लोगों को जोड़ सके और उस दृष्टि को हम जनता के बीच में इस तरीके से उपस्थापित करें ताकि भारत का जो लक्ष्य है वो पूरा हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज ये महत्वाकांक्षी योजना ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री और फेसबुक के तत्वाधान में हो रहा है। बदलते हुए परिवेश में यद्यपि इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने का योजना पहले से प्रारंभ हुआ था, लेकिन हमें और अधिक ऊर्जा के साथ काम करने का एक अवसर इस समय के चुनौतियों का मुकाबला करते हुए, दुनिया जिस ढंग से कोविड 19 के माध्यम से उलझा हुआ है, वैसे समय में यह डिजिटल फ्रेम, यह डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे जीवन को अद्भुत दृष्टि प्रदान करेगा और आज हम नए ऊर्जा के साथ इस कार्यक्रम को लॉन्च करने का, इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने का निश्चय किया है और उसी के तहत आज हमें यह अवसर मिला है और इसलिए हम सब बहुत प्रसन्न हैं इस कार्यक्रम के लिए। कोविड 19 के बाद में स्वाभाविक रूप से जिसे हम सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, एक्चुअली यह फिजिकल डिस्टेंसिंग है, इस नेटवर्क के माध्यम से हम सोशली और नजदीक आ सकते हैं। सभी क्षेत्रों में हम प्रगति करके आत्म स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ने का जो लक्ष्य है उसे हम पूरा कर सकते हैं और इस लॉकडाउन की अवधि में डिजिटल इंडिया की जो शक्ति है उस शक्ति को हम एहसास करा सकते हैं। ये जो कार्यक्रम है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स गोल कार्यक्रम, यह कार्यक्रम हमारा मंत्रालय ट्राइबल अफेयर्स और फेसबुक के तत्वाधान में डिजाइन किया गया है और एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बहुआयामी व्यक्तित्व का निर्माण करते हुए कैसे वो आगे बढ़े मेंटोर और मेंटीज के रूप में, यानी ज्ञान ग्राह्यता और ज्ञान दाता, इन दोनों के बीच में सेतु का काम करे, ब्रिज का काम करे और हर किसी को बहुत नजदीक से समझने का प्रयत्न करे। हर किसी को जो भी मेंटोर और मेंटीज के बीच में इतना संवाद और इतना संवेदनशीलता रहे कि वो समझते हुए उन्हें सही तरीके से मार्गदर्शन करें और उन चीजों को अवगत कराए जिससे कि वो अपने जीवन को लक्ष्य की तरफ ले जा सके। यह कार्यक्रम वैसे डिजाइन किया गया है जिसके माध्यम से 7 महीने के अवधि के लिए मेंटरशिप होगी और उसके बीच में कई चीजों का आदान प्रदान होगा और किस सेक्टर में, किस क्षेत्र में उसकी रुचि है और वो क्या कर सकता है और कैसे कर सकता है इसका मार्गदर्शन मिलेगा। ये मैं समझता हूँ कि इस पोर्टल के माध्यम से जो ये गोल्ड पोर्टल बना है, ये जो ऐप्स है फेसबुक का, जिसमें एक समझिए 2 लाख से अधिक घंटे तक ऑनलाइन एक तरीके से लिमिटेड लोगों के बीच में, एक मेंटोर और मेंटीज के बीच में जो संवाद होगा बहुत सहजता के साथ संवाद होगा और उस संवाद के माध्यम से आने वाले लक्ष्य को निर्धारित कर सकेंगे। और मैं समझता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम न केवल महत्वाकांक्षी है बल्कि बहुउद्देश्य है।
ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से हम आने वाले दिनों में एक मजबूती दे सकते हैं जनजातीय वर्ग के जो लोग हैं। कई बार ये देखा गया है कि उनके मन में बहुत सारी कल्पनाएं होती है, बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारी चिंता होती है, बहुत सारा लक्ष्य भी होता है, लेकिन कहाँ से शुरू करें उसके रास्ते नहीं बन पाते, और रास्ते नहीं बन पाने के कारण वो अपने आप में घिरा हुआ महसूस करता है। ऐसे समय में ये कार्यक्रम लक्ष्य को निर्धारित करने वाला है। ऐसे समय में जब कई बार आप देखेंगे जनजातीय समुदाय में कि एक साथ सारी बातों को कहने के लिए वो तैयार नहीं होता, पर एकांत में किसी को अपनी मन की बात कह सकता है, तो ये जो मेंटोर और मेंटीज का जो कार्यक्रम है, यानी मेंटोर सिर्फ दो मेंटीज को कैटर करे और उसकी सारी बातों को सुनेगा, समझेगा, उसी के अनुसार उसका क्लास होगा और उसी के अनुसार उसको बढ़ाया जाएगा, यानी विशेष ध्यान देने की यह योजना। और दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में किस तरह हो रहा है, ये अत्याधुनिक दुनिया में कैसे हम विविध क्षेत्र में अपने गाँव की उन संस्कृतियों को, कलाओं को, उद्योग को, साथ ही साथ वैश्विक तरीके से जो उभरती हुई चुनौतियां हैं उसको हम कैसे पूरा करें, इस लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़े रहे। तो वैसे बहुत सारी बातें कहने की है, आने वाले दिनों में लगातार हम चर्चा भी करेंगे और लगातार बातचीत भी करेंगे, और समय समय पर इस राष्ट्र को मजबूत करने के लिए जो हमारी इसके लिए मैं ये कहूँगा कि उज्जवल भविष्य की कल्पना के साथ हम इस महत्वाकांक्षी योजना को मोटा और फेसबुक के माध्यम से जनजातीय वर्ग के उन लोगों को जोड़ने का काम जो लक्ष्य के साथ प्रारंभ किया जा रहा है उसे हम सफल बनाएं। मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में हम एक अच्छा परिदृश्य देखेंगे। इसमें जो लक्ष्य है इस समय लगभग लगभग 2500 मेंटोर होंगे